सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आइए देखते हैं आज शाम की खबरों में क्या क्या जानकारियां लगी हुई हैं। सबसे पहले तो भाइयों बहनों आपको बता दें कि रविकांत प्रजापति भाई हैं जिन्होंने एक बहुत ही जरूरी सा आदेश भेजा है। ये आदेश जो है सेवा में निदेशक बाल विकास पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ को भेजा गया है स्पीड पोस्ट के जरिए। और नीचे आप देख सकती हैं प्रार्थनी में है माया देवी बहन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं। ग्राम व आंगनबाड़ी केंद्र इनका देहरा मऊ है, पोस्ट इनका गोसाईगंज है, जिला इनका लखनऊ है। 12 दिसंबर को कल ही ये उन्होंने स्पीड पोस्ट किया है। आइए देखते हैं इसमें क्या जानकारी है। तो आपके निदेशक जी को ये लेटर लिखा गया है कि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश दिनांक 30/9/2022 याचिका ए संख्या 6592/2022 श्रीमती माया देवी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य के अनुपालनार्थ प्रेषित पत्र दिनांक 20/10/2022 के संदर्भ में। नीचे उन्होंने लिखा कि महोदय सविनय निवेदन है कि प्रार्थनी ने उपर्युक्त विषयक आदेश के अनुपालनार्थ श्रीमान जी को दिनांक 20/10/2022 को स्पीड पोस्ट से प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया था जिसमें प्रार्थनी के आंगनबाड़ी कार्यकर्ती से मुख्य सेविका पद पर पदोन्नति से संबंधित प्रार्थना पत्र दिनांक 18/7/2022 का निस्तारण माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेशानुसार 6 सप्ताह में किया जाना था, परंतु खेद का विषय है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालना 6 सप्ताह समय व्यतीत हो जाने पर भी नहीं किया गया, जिससे श्रीमान जी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश की अवहेलना की गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेशों को भी खामोशी से बस्ते में बांध दिया गया है। अतः अनुस्मारक पत्र भेज करके अनुरोध है कि उपर्युक्त के संबंध में कृत कार्रवाई से प्रार्थनी को 1 सप्ताह के अंदर अवगत कराने का कष्ट करें, अन्यथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना का वाद श्रीमान के विरुद्ध दायर करने के लिए विवश होना पड़ेगा, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व श्रीमान जी का होगा। तो आपने देखा कैसे जो है भाई ने साफ साफ जो है निदेशक जी को अवगत कराया है कि जो भी प्रमोशन के संबंधित जो समय दिया गया था 6 सप्ताह का, समय बीत जाने के बाद भी निदेशक जी की तरफ से आंगनबाड़ी बहनों का प्रमोशन नहीं किया गया। तो यहाँ पर कोर्ट के आदेश की अवहेलना को ये चीज दर्शाती है और ऐसा प्रतीत होता है मानो जैसे न्यायालय की कोई गरिमा ही अब नहीं रह गई। तो इस बारे में अब कहना चाहूंगा निदेशक जी को, अपने बाल विकास विभाग को, किस बारे में संज्ञान लिया जाए और शीघ्र अतिशीघ्र आंगनबाड़ी बहनों का प्रमोशन का जो कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाया जाए, प्रमोशन बहनों के किए जाएं और जो भी कोर्ट के ऑर्डर आते हैं उनका पालन भी विभाग की तरफ से किया जाए। जैसे बीएलओ जैसे कार्यों से बहनों को पृथक करने का ऑर्डर जो कोर्ट ने दिया था उसको भी माना जाए और उस पर भी अक्षरशा पालन किया जाए। गैर विभागीय कामों से बहनों को हटाया जाए, ये कोर्ट से डिसीजन सब आ चुके हैं, लेकिन महिला बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश निदेशालय से इन चीजों की पालना नहीं कराई जा पा रही है। अनीता जी हैं बेजनौर से आती हैं जिनके द्वारा अन्न प्राशन की एक फोटो भेजी गई है। कुछ और भी बहनें हैं, ये कुसुमा बहन है लखीमपुर खीरी से आती हैं और इनके अलावा ये हैं सुनीता देवी सोनभद्र से आती हैं और इनके अलावा ये मुन्नी बहन है जो कि शाहजहांपुर से आती हैं, साथ ही एक ये बहन है मुन्नी शाहजहांपुर से और इनके अलावा अब आपको बताना चाहेंगे एक बहन है जिन्होंने गलती से हमें पैसे भेज दिए थे, रात्रि देवी हैं बलरामपुर से। इन्होंने क्या किया कि हमारे खाते में 200 रुपया भेज दिया था, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 13 तारीख को उन्होंने ये भेजा। अब ऐसे में मैंने कहा था जिन भी बहनों को कोर्ट के लिए सपोर्ट करना है वो सुनील भाई के जो अकाउंट में पैसा डालें, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अंतिम बार आप सबको फिर समझा रहा हूं, कोई भी बहने जिनको कोर्ट के लिए पैसे देने हैं वो सुनील भाई के अकाउंट में डालें। नंबर नहीं है उनका, जो भी एड्रेस नहीं है या अकाउंट नंबर नहीं तो हमसे ले लो, हम भेज देंगे। बहुत सारी बहने मांग लेती हैं, उनको भेज देता हूं, लेकिन हमारे अकाउंट में ना डालें। हमारे अकाउंट में वही बहने डालें जिनको हमारे लिए मदद करनी थी आईपैड वगैरह के लिए, बाकी अपने कोर्ट के लिए जो राशि है वो भाई के ही अकाउंट में डालें। और डाल तो बहने देती हैं, दिक्कत तब आती है जब वो अपना स्क्रीनशॉट जो भी पैसा उन्होंने भेजा है उसका नहीं भेजती हैं और उसके अलावा अपना नाम नहीं बताती हैं। तो भाई अपना परिचय देने में क्या जाता है, अपना नाम बताओ और स्क्रीनशॉट भी भाई को भेज दो जिनको भी कोर्ट के लिए भेजना है।
क्योंकि वो इसलिए जरूरी है, उनको लिखना होता है किस बैंक ने कितना भेजा, और ताकि सारी चीजें पारदर्शिता के साथ में आपके सामने भी रखी जाए। तो इसीलिए इसको जो है आप लोग थोड़ा ध्यान दें। तो देखो हमने वो 200 रुपए जो ये बहन जिन्होंने हमारे पास भेज दिए हैं, इनके 200 रुपए भी हमने क्या किए हैं, सुनील भाई को भेज दिए हैं। और जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो, तो ये एक बहन है जिन्होंने हमको बोला था कि 200 भेजे, तो वही ये देखो पैसे हमने सुनील कुमार भाई को भेज दिए हैं। रात्रि देवी है और ये आती है कहां से, ये आती हैं बलरामपुर से। और यहाँ पर गलती इतनी हो गई थी कि जो हमने इनको भेजा था मुझे लगा कि आजमगढ़ से हैं, तो हमने बस आजमगढ़ जिला इनका बस गलत डाल दिया था, लेकिन पैसे आपके उनको भेज दिए। ये आपका आप जो है UPI ट्रांजेक्शन ID भी नीचे दिया हुआ है, तो ये आपके पैसे पहुंच गए हैं, कल वाली लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। रात्रि देवी बलरामपुर से 200 रुपए सुनील भाई को हमारी तरफ से आपके द्वारा जो दिए गए थे वो भेज दिए गए हैं। अब आगे ले चलते हैं, आपको कुछ और बताते हैं। नीलम जी हैं उन्नाव से, और इनके द्वारा एक ये आर्टिकल आया है, CDPO व सुपरवाइजर के दबाव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने दिया इस्तीफा। तो जो ये शोषण है, जो दबाव है, जो प्रेशर है, वो बहनों पर ऐसे ही कुछ बनाया जाता है जिसके चलते भी बहनें परेशान हो जाती हैं, और उनकी परेशानी कुछ इस जो है कदर बढ़ जाती है कि उनको अपनी नौकरी से इस्तीफा तक देना पड़ जाता है। तो आप देख सकते हैं ये औरास जो पड़ता है, औरास क्षेत्र पड़ता है उन्नाव जिले में, तो उन्नाव के औरास में ये एक खबर प्रकाशित हुई कि पुलिस ने तीनों लोगों को थाने में बुला करके पोषाहार कराया वापस। तो आप देख रहे हैं यहां पर कि बिना पंजीकृत लाभार्थी को CDPO व सुपरवाइजर ने दबाव बना करके पोषाहार दिलाने के मामले में क्षुब्ध आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के बाल विकास परियोजना कार्यालय में अपना इस्तीफा वगैरह आप देख रहे हैं कि जो है यहां पर दिया है। तो तहरीर देकर के पोषाहार बताया जा रहा कि वापस दिलाने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई है, जिससे बाल विकास परियोजना कार्यालय में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने तीनों को थाने में बुला करके पोषाहार वापस कराने के बाद सुलह समझौता करा दिया है। विकासखंड औरास के रामपुर जो है यहाँ पर खंजड़ी निवासी सुनील द्विवेदी विगत 16 वर्षों से अपने गाँव में ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के पद पर वो कार्यरत है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का आरोप है कि CDPO और सुपरवाइजर ने दबाव बना करके पंजीकृत वाले जो बिना पंजीकृत है यानी अपंजीकृत हैं उन व्यक्ति को दूसरे का पोषाहार दिला दिया। ऐसे करके ये चीजें यहां पर देखने को मिल रही हैं। तो ये कुछ समस्याएं हैं जो कि यहां पर आई थी, उसके बाद फिलहाल समझा बुझा करके चीजों को शांत कराया गया है। और आप देख सकते हैं तो ऐसे यहां पर दबाव वाले भी मैटर आते हैं, अपने उच्चाधिकारी ही अपनी बहनों का शोषण जब करने लगते हैं तो फिर कार्यकर्ता बहनें मानसिक रूप से प्रताड़ित होकर के इस्तीफा तक देने की नौबत में आ जाती हैं। इधर आप देख रहे हैं गांव में अति कुपोषित बच्चों को खोजेंगे CDPO, एक ऐसा भी आर्टिकल सामने आया। बिजनौर का ये मामला है, आप देख रहे हैं कि CDPO ब्लॉकों में जो है यहां पर अति कुपोषित बच्चों को चिन्हित करके पोषण पुनर्वास केंद्र भेजेंगी। बाल विकास परियोजना अधिकारियों ने 10 बच्चों को चिन्हित करके पोषण पुनर्वास केंद्र भेज भी दिया है। शासन की मंशा भी है कि बच्चों में कुपोषण पूरी तरह दूर होना चाहिए। CDPO अब अपने क्षेत्र में अति कुपोषित बच्चों को चिन्हित करेंगी और बच्चों को चिन्हित करके जिला अस्पताल में NRC सेंटर भेजेंगी। तो ये नागेंद्र मिश्रा जी हैं जिला कार्यक्रम अधिकारी बिजनौर के, जिनके द्वारा अपना ये जो जानकारी निकल के आई है। उन्होंने कहा है कि बाल विकास परियोजना अधिकारियों ने अब तक 10 अति कुपोषित बच्चों को चिन्हित करके NRC सेंटर रेफर कर दिया है। इस पहल पर जो है काम शुरू हो गया है। तो इस तरह से ये मैटर आया। साथ ही एक चैनल पर कमेंट आई है, लिखा है कि भैया जी नमस्ते, मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घोरावल वार्ड नंबर 1 जिला सोनभद्र से हूं। भाई मेरे रुपए सहारा इंडिया में जमा हैं जो कि निकल नहीं पा रहे हैं, और कब तक और इंतजार करना पड़ेगा। जून 2022 में ही पूरा हो चुका है 5 साल, हमें जो लड़की की शादी करनी है और भाई हमें सही जानकारी चाहिए। तो देखो इस तरह से फिलहाल हमें इसके बारे में तो जानकारी नहीं है, सहारा इंडिया के बारे में। अगर किसी को हो इनसे रिलेटेड तो कोई भी अपने सुझाव जानकारी भेज सकता है ताकि इनकी भी समस्या का कुछ ना कुछ कम से कम रिप्लाई मिले। आगे देखिएगा एक और खबर है, प्रदेश की धरोहरों का भ्रमण करके बच्चे जानेंगे इतिहास। तो एक ये भी जानकारी सामने देखने को मिल रही है, सुशील जी हैं लखनऊ से, उनका ये आर्टिकल है। तो उन्होंने कहा है कि 20 बच्चे एक शिक्षक के जिम्मे होंगे भ्रमण और 75,000 रुपया वाहन के लिए दिए जाएंगे, ऐसा यहां पर बोला जा रहा है। लखनऊ के बच्चे यहां घूमेंगे बताया जा रहा है। तो लखनऊ के जो बच्चे हैं वो इमामबाड़ा, घंटाघर, रेजिडेंसी और विज्ञान जो है आंचलिक केंद्र, वैज्ञानिक एवं शोध संस्थान, प्राणी उद्यान, इन सब की सैर करेंगे, वहां पर जाएंगे, विजिट करेंगे और सीखेंगे। तो इसलिए चीजें हैं। तो हर जिले से 200 बच्चों का
का होगा इसके लिए चयन, तो ये भी चीजें हैं कि हर जिले से भी बच्चा जाएगा। बीएसए अरुण कुमार है, इन्हीं का कहना है कि एक दिवसीय ऐतिहासिक भ्रमण के लिए हर जिले से 200 बच्चों का चयन भी किया जाएगा। इन चीजों को भी आगे बढ़ाया जाएगा ताकि पर्यटन से बच्चों को कुछ ना कुछ अपने जो है यहाँ पर लखनऊ के बारे में भी जानकारी वहां पर मिलेगी, पुराने इतिहास के बारे में। और आगे आपको बताना चाहेंगे, आज के इस वीडियो को यहीं रखते हैं, अगले वीडियो में आप सब भाई बहनों को फिर मिलते हैं। अभी के लिए दोस्तों धन्यवाद।